हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लता की लाइब्रेरी। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान पैटर्न शेयर करने जा रही हूँ। अब देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो। इस पैटर्न को आप ऑल प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडीज, गर्ल्स, बेबीज के लिए। इसके अलावा आप इस पैटर्न को कैप, मफलर, शॉल, ब्लैंकेट आदि पे भी डाल सकते हैं। अब देखिए पैटर्न की फर्स्ट रो को हमने सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये पैटर्न की फर्स्ट रो है, इसको हमने ऐसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए बैक साइड से सेकंड रो। अब सेकंड रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारना है और बैक साइड से हमने सेकंड रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये देखिए, ये बैक साइड से हमने सेकंड रो को ऐसे उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए फ्रंट साइड से थर्ड रो। अब थर्ड रो को हमने फर्स्ट रो की तरह सीधा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने 5 के मल्टीपल में फंदे डालें प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा डालें, यानी कि 5 के जोड़े के हिसाब से फंदे डालेंगे और 4 फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे और फ्रंट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। बहुत ही आसान पैटर्न है, आप ऑल प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए बैक साइड से फोर्थ रो। फोर्थ रो को हमने सेकंड रो की तरह बुन के कंप्लीट करना है। ये देखिए फोर्थ रो को हमने ये उल्टा बुनना है। पूरे पैटर्न में हमारा बैक साइड से यही प्रोसेस रिपीट होगा। आप इस पैटर्न को किसी भी कलर में डाल सकते हैं, बनके ये बहुत ही सुंदर आता है। अब देखिए फ्रंट साइड से फिफ्थ रो। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 रोज बुन के कंप्लीट कर दी। अब देखिए फिफ्थ रो में एक्स्ट्रा फंदा उतार लेना है, फिर नेक्स्ट फंदा भी हमने सीधा बुन के उतार लेना है। अब देखिए ये 5 फंदों पे हमारा पैटर्न बन जाता है, तो देखिए 2 फंदे आगे करेंगे और तीसरे नंबर के फंदे के ऐसे चेन में आएंगे और देखिए सबसे नीचे ऐसे चेन में आके और सबसे लास्ट में आके ऐसे सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया और देखिए 2 फंदे ऐसे बुन के उतार लेंगे। फिर देखिए जिस होल से हमने एक एक्स्ट्रा फंदा बनाया उसी होल में सिलाई डालनी है और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेना है। ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया, एक फंदा सीधा बुन लेंगे। एक फंदा सीधा बुना, फिर देखिए नेक्स्ट 2 फंदे भी हमने सीधे बुन लेने हैं। ये रेस्ट 2 फंदे हमने सीधे बुन दिए। फिर देखिए ये ऐसे उसी होल से जहाँ से हमने 2 एक्स्ट्रा फंदे बनाए यहीं से हमने ऐसे सिलाई डालनी है और देखिए तीसरा एक्स्ट्रा फंदा बना लेना है। तो देखिए ये हमारे 3 एक्स्ट्रा फंदे बन गए। अब देखिए नेक्स्ट 5 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए 2, 3, 4 और 5, ये 5 फंदे सीधे बुने। फिर देखिए नेक्स्ट 5 फंदों पे पैटर्न बनेगा, तो 2 फंदे आगे करेंगे और तीसरे फंदे के ऐसे चैन में जाके और ये देखिए ये ऐसे एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेना है। ये एक्स्ट्रा फंदा बना, 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर देखिए एक एक्स्ट्रा फंदा बनाएंगे ये ऐसे, फिर देखिए 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे उसी होल से जहाँ से पहले एक्स्ट्रा फंदे बने। तो देखिए हमने 3 एक्स्ट्रा फंदे बना लेने। फिर देखिए नेक्स्ट 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो देखिए ये फ्रंट साइड से हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए बैक साइड से सिक्स्थ रो।
अब सिक्स रो में देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको हमने ऐसे ही बिना बुने उतार लेने। देखिए तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, ये तीन फंदे उल्टे बुने, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा हमने ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है, ये एक्स्ट्रा फंदा है। फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदे उल्टे बुन लेंगे, फिर देखिए ये जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको भी हमने ऐसे बिना बुने उतार लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे, ये बैक साइड से हमारी पैटर्न की सिक्स रो है। अब देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा आ जाता है, इसको हमने ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। फिर तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर देखिए एक्स्ट्रा फंदा हमने ऐसे ही बिना बुने उतार लेना है। फिर देखिए दो फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर देखिए एक्स्ट्रा फंदा ऐसे ही बिना बुने उतार लेंगे और दो फंदे लास्ट में उल्टा बुन के उतार लेंगे। तो देखिए बैक साइड से हमारी ये सिक्स रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से सेवंथ रो। अब सेवंथ रो में देखिए दो फंदे सीधे बुन के उतार लेंगे, एक एक्स्ट्रा उतार दिया, एक फंदा बुन के उतार लेना। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा बुना है इसको हमने ऐसे पलटा लेना है और देखिए एक सीधे फंदे के साथ इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो देखिए फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा है उसको हमने ऐसे पलटा लेना है और तीसरे नंबर के फंदे के साथ सीधा बुन के उतार लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए ऐसे सीधी साइड से सिलाई डालेंगे और लास्ट का फंदा, ये देखिए दो फंदे एक एक्स्ट्रा फंदा और एक लास्ट का फंदा एक साथ बुन के उतारेंगे। तो देखिए ये हमारा पैटर्न बनने लग गया। फिर देखिए नेक्स्ट पांच फंदे सीधे बुनेंगे, फिर देखिए ये पांच फंदों पे हमारा पैटर्न बना है। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है इसको ऐसे पलटा के डालेंगे और देखिए पांच फंदों में से पहले फंदे के साथ बुन के उतार लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा ऐसे पलटा लेना है और तीसरे नंबर के फंदे के साथ इसको बुन लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे, फिर देखिए जो एक्स्ट्रा फंदा है और पाँचवें नंबर का फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, फिर देखिए लास्ट के दो फंदे सीधे बुन लेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी सेवंथ रो कंप्लीट हो गई और ये देखिए ये हमारा पैटर्न बन के भी आ चुका है। अब देखिए बैक साइड से एट्थ रो। अब एट्थ रो को हमने उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है। अब देखिए फ्रंट साइड से नाइन्थ रो। अब जैसे हमने शुरू में फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ रो बुनी है वैसे ही हम यहाँ पे नाइन्थ टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ रो बुन के कम्प्लीट करेंगे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे फोर रोज बुन के कम्प्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने फोर रोज बुन के कम्प्लीट कर दी, यानी कि हमने यहाँ पे चार सिलाइयाँ बुन के कम्प्लीट कर दी, नाइन्थ टेंथ इलेवंथ और ट्वेल्थ। ये हमारी ट्वेल्थ रो कंप्लीट हो गई। अब फ्रंट साइड से देखिए थर्टीन रो। अब देखिए थर्टीन रो में देखिए ये दो फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब इसके बाद देखिए जिन पांच फंदों पे पैटर्न बना है इन पांच फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। तो देखिए दो तीन चार और पाँच, ये पांच फंदे सीधे बुने। अब देखिए नेक्स्ट पाँच फंदों पर पैटर्न बनेगा, तो देखिए दो आगे के फंदे छोड़ के तीसरे फंदे में ऐसे चैन में आके, तो देखिए एक होल छोड़ना है, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी। तो देखिए पांचवें नंबर के होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। तो देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा बनाया हमने और दो फंदे सीधे बुन लेंगे, ये दो फंदे सीधे बुने। फिर देखिए जिस होल से पहले एक्स्ट्रा फंदा बनाया उसी होल पर सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा और बना लेंगे। ये एक्स्ट्रा फंदा बना, एक फंदा सीधा,
फिर देखिए नेक्स्ट दो फंदे भी सीधे बुनेंगे और देखिए उसी होल से हमने एक और एक्स्ट्रा फंदा बना लेना है। तो देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे, एक एक्स्ट्रा फंदा बना लेंगे। तो देखिए हमने ये तीन एक्स्ट्रा फंदे बना दिए। अब देखिए नेक्स्ट फंदे हम सीधे बुन के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रंट साइड से हमारी 13 रो कंप्लीट हो गई। 13 रो में हमारा पैटर्न देखिए रिपीट भी हो रहा है, साथ में शिफ्ट भी हो रहा है। ये देखिए ये 13 रो हमारी रिपीट रो थी। अब देखिए बैक साइड से 14 रो को भी देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारा, नेक्स्ट फंदे हम उल्टे बुनेंगे। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा फंदे बनाए हैं इनको हमने बिना बुने उतार लेना है। ये बिना बुने उतार दिया, फिर देखिए नेक्स्ट तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और देखिए एक्स्ट्रा फंदा हमने बिना बुने उतार लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट फंदा उल्टे बुन लेने हैं दो, फिर ये देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतार लिया, फिर देखिए नेक्स्ट फंदे लास्ट में उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेने हैं। अब देखिए फ्रंट साइड से 15 रो, ये देखिए एक्स्ट्रा फंदा उतारा, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर देखिए पांच फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। ये देखिए ये पांच फंदे सीधे बुने, फिर देखिए एक्स्ट्रा फंदे को हमने ऐसे पलटा के लेफ्ट नीडल में डालना है। और देखिए जिन पांच फंदों पे पैटर्न बनाए पहले फंदे के साथ ये एक्स्ट्रा फंदा सीधा बुन लेना, फिर नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर देखिए एक्स्ट्रा फंदा ऐसे पलटा लेंगे और तीसरे फंदे के साथ इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर देखिए नेक्स्ट फंदा सीधा बुनेंगे और देखिए ये एक्स्ट्रा फंदा और पांचवे नंबर का फंदा इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे। तो देखिए ये हमारा पैटर्न रिपीट भी हो गया और साथ में शिफ्ट हो गया। अब देखिए लास्ट के फंदे सीधे बुन लेंगे। ये देखिए फ्रंट साइड से हमारी 15 रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए फ्रंट साइड से जो हमारी 17 रो आएगी उसमें हमारा पैटर्न रिपीट होगा। जैसे हमने शुरू में एक एक्स्ट्रा फंदा बुना और एक फंदा बुन के उतारा, फिर नेक्स्ट पांच फंदों पे हमारा ये पैटर्न रिपीट होने लग जाएगा। अब हमने अपने पैटर्न को ऐसे ही रिपीट और शिफ्ट करते जाना है और बनके देखिए हमारा पैटर्न बहुत ही सुंदर आ जाता है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।